पहने हुए पुराने कपड़े, जो कपड़े आप वेस्ट कपड़े होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, उन कपड़ों से अपने पति को अपने वश में कैसे कर सकती हैं, चाहे आपके पुराने कपड़े हों या चाहे पहने हुए कपड़े उनके हों। पुराने कपड़े जब आप घर से फेंकते हैं उसके बारे में अभी भी बताऊंगा, और साथ ही साथ में वशीकरण करने का, यानी किसी को अपने वशीभूत करने के लिए कपड़े द्वारा एक तरीका भी बताऊंगा। तो ये वीडियो आप ही के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए, कमेंट भी किए हैं और रोज़ाना कमेंट करते रहते हैं। तो उनका कहना है कि हमारे पुराने कपड़े जब से बाहर डाले गए हैं तब से वो बीमार हैं। तो आज इसी विषय में आप लोगों से बातें होंगी और आपको कुछ हम जानकारी देंगे। वो जानकारी को आप हमेशा अपने दिल दिमाग में हमेशा बसा के रखना, ताकि आपसे ये जो गलती हुई है दोबारा ना हो, उसका भी तरीका बताएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे भक्तों, आपको विश्वास है तंत्र पे, तभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, और इस प्रकार की जानकारी तो मेरे ख्याल से कोई आपको नहीं देता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पुराने कपड़े का तंत्र से क्या लेना देना है, ये जान लीजिए। और अगर आपको कभी यकीन ना हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट पे जा सकते हैं। लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं कि जब से मैंने पुराने कपड़े बाहर डाले उसके बाद से हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, हमारे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, हमारे हस्बैंड का काम कारोबार बंद हो गया, जैसी बहुत सारी चीज़ें बताने वालों ने बताई हैं। आज हम उन्हीं के ऊपर ये वीडियो भी बना रहे हैं। अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको वशीकरण का तरीका भी कपड़े द्वारा बताएंगे, और साथ ही साथ में कपड़े के ऊपर जो तंत्र टोटके कर देते हैं लोग, उससे भी बचाने की एक कोशिश करेंगे। अगर आपको आगे विश्वास है तो हमारे चैनल GSTV को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक प्रकार के वीडियो आपको मिलें और आपकी हर एक समस्या दूर हो और आपके जीवन में भी खुशहाली आए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पुराने कपड़े घर से जब निकाल के फेंकते हैं तो क्या होता है। जिस तरह आप अपने पति का पुराना कपड़ा, आपका पति या आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका या प्रेमी, उनके पुराने कपड़े पर आप अभी जो बताया जाएगा वशीकरण का तरीका, जिस तरह आप करोगे, इसी तरीके से आपके ही घर के पुराने जो कपड़े होते हैं, वेस्ट कपड़े, वो आप बाहर डालते हो और कुछ लोगों की नज़र उसके ऊपर लगी रहती है कि इनके घर की कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हम इनके घर के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आपके घर का कोई भी सदस्य हो, उसके ऊपर तंत्र जादू करें, क्यों ना आप ही होंगे। तो इसी तरीके से वो भी कर सकते हैं या वो भी करवा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, हमारे चैनल पर अभी तक के कोई ऐसा वीडियो नहीं गया है जिसमें लोगों के बारे में गलत जानकारी दी गई हो, कि किसी की शादी तोड़ने के बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया आज तक, मैंने किसी का ब्रेकअप कराने के लिए वीडियो नहीं बनाया, मैंने किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया। मैं हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं बुरे कामों को हमेशा इग्नोर करता हूँ, आप भी करो। तो जब आप कपड़े डालते हैं बाहर, कुछ लोग रोड के ऊपर डाल देते हैं, कुछ लोग नहर में पुल के नीचे डाल देते हैं पुराने कपड़े, नाले पर डाल देते हैं पुराने कपड़े, कुछ लोग तालाब पर डाल देते हैं पुराने कपड़े, और वो डाल करके अपने घर वापस आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग कचरा बीनने वाले भी होते हैं, और वो आपकी जो बोरी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है, और मैं इसके ऊपर 20 दिनों से लगातार रिसर्च कर रहा हूँ कि जो लोग पुराने कपड़े फेंकते हैं तो वो किस तरह फेंकते हैं। तो मैं बहुत दिनों से नहर के किनारे, नदी के किनारे, या मेरे प्यारे भक्तों, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप लोग ये कपड़े डाल आते हैं, वो है तालाब। तालाब पर डाल दिया, अब वहाँ पर कोई कपड़े उठा लेता है, उठाने के बाद में आपके ऊपर उसका कोई गलत प्रयोग कर देता है, उससे आपको नुकसान होंगे,
तो आप लोग भी जब कपड़े बाहर डालने जाया करिए तो एक तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत आसान है। ऐसी जगह पर कभी मत डालो कपड़े जहां आपको कोई जानता हो, उसको झोले में, बैग में, किसी भी चीज़ में भर लीजिए और गाड़ी चलाइए या साइकिल चलाइए या पैदल थोड़ी दूर आगे जा करके डाल दीजिए जहां पर आपको कोई ना देख सके, क्योंकि आपके बारे में वो बस ना जान सके कि ये इनके घर का कपड़ा होगा। बस इससे ज़्यादा आपको हम इस बारे में फ़िलहाल इस वीडियो में नहीं बताएंगे, क्योंकि कपड़े से आपको वशीकरण करना है वो आपको तरीका बताएंगे। कपड़े के से रिलेटेड हम एक दूसरा वीडियो पूरा बनाएंगे, वो आप लोग ज़रूर देखेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, वो मैंने अभी बता दिया कि कपड़े को हम बाहर डालते हैं तो ऐसा ऐसा हो जाता है तो किस तरह डालना चाहिए। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो कपड़े द्वारा वशीकरण का तरीका बताने जा रहा हूँ, और वो भी ये जो वशीकरण करेंगे जो लोग वो जायज़ मकसद के लिए ही करें, क्योंकि पति पत्नी हस्बैंड वाइफ का जो प्यार होता है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर पति पत्नी के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं होगा तो फिर वो जीवन थम सा जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भक्तों। तो उन्हें एक करने के लिए ये तरीका बताया जा रहा है। अगर आप किसी को जानते हैं ऐसे को जिनके घर में ऐसी प्रॉब्लम है, या आपके परिवार में कोई है उसको ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो उनके पास शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कपड़े द्वारा वशीकरण करने का तरीका। पहना हुआ कपड़ा कोई भी हो, कहीं का भी हो, बस उस कपड़े का कलर काला नहीं होना चाहिए। बाकी कोई और कलर का कपड़ा रहेगा तो आप उसके ऊपर ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको काली रोशनाई से ये ताबीज़ बनाकर जलाना है। तो देखिए, जलाना है कपड़ा कोई भी हो तो आपको कपड़े के ऊपर बीचों बीच में उसको थोड़ा कैंची से काट के छोटा कर लीजिएगा, और ये ताबीज़ जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस ताबीज़ को कपड़े पर आपको लिखना है, और लिखने के बाद में इस कपड़े को आप मोड़ दीजिएगा, जितना मोड़ सकते हैं मोड़ दीजिएगा, और काले धागे से इसे कस के लपेट दीजिएगा। और कोई पेड़ आपको नज़र आए, पेड़ कोई भी हो जिसकी हवा अच्छी आती हो, आपको मिलती हो, जिसमें छांव होता हो, उस पेड़ में ले जा करके इस काले धागे को कपड़े के साथ में बांध दीजिएगा, मगर कपड़े को खूब कस के मोड़ दीजिएगा। और सामने स्क्रीन पर देखिए ताबीज़ आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। पुराने पहने हुए कपड़े आपका पार्टनर का कपड़ा होना चाहिए, अब आप उसके ऊपर ये इस उपाय को करेंगे। दोस्तों, ये उपाय शादीशुदा लोग जो घर में रहते हैं पति पत्नी, उनके बीच में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ये मैंने तरीका बताया है। तो अगर पति चाहता है अपनी पत्नी को अपने वश में काबू करना, क्योंकि पत्नी बार बार आपका कहना नहीं मानती, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनको सही करने के लिए, काबू में करने के लिए, उनके ही पहने हुए कपड़े पर आपको ये ताबीज़ बनाकर खूब कस के मोड़ देना है, और काले धागे की सहायता से एक गांठ लगाना है और किसी पेड़ में टांग देना है। इसी तरीके से पार्टनर को वश में करने का ये मैंने तरीका बताया है। जो लोग आपस में प्यार कर रहे हैं उन्हें और प्यार करने के लिए मैं खूब ढेर सारी प्रार्थना करता हूँ। आगे बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम बनेंगे मेरे प्यारे भक्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आप इस उपाय को अपनी इच्छा अनुसार करना चाहते हैं, आप पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि इस उपाय को करें तो आप निःशुल्क कर सकते हैं और स्वयं कर सकते हैं, घर बैठे इस उपाय को कर सकते हैं। हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप दूसरों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको क्या समस्या है, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर इस वीडियो पर मुझे 10 लोगों का भी कमेंट मिल जाएगा तो हम उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उनकी समस्या पर वीडियो बनाएंगे। हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, बस आपको हमारा वीडियो पूरा देखना है और उसमें हम सब कुछ बता देंगे। किसी एक मेंबर के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए भी मैं वीडियो बना देता हूँ। तो कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बार बार आपसे एक विनती कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे आप सभी के वीडियो को देखते हैं, हमारे वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी, और इस उपाय को आप सप्ताह में किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन किया जा सकता है।